अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं ज़र्दा बना ले रहा हूँ, यानी कि मीठे चावल। ये चावल है, 2 घंटे पहले भिगा ली थी। बासमती चावल है, 1 कप शक्कर है, इसी कप से मैं चावल ली थी। इसी सेब शक्कर लिए, फुल चावल ली थी और थोड़ा कम शक्कर ली। 1 बाटी घी है, इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान कलर, बादाम है, बादाम को भी भिगा के कट कर ली, खोपरा है, कच्चा खोपरा, और किशमिश। और हम चावल को चढ़ा लेंगे। देखिए चावल पकड़ा, इसको अच्छा जैसा हम खुशका बना लेते उसी तरह बना लेना। नमक नहीं डालना, सिर्फ पानी में चावल डाल के उबाल लेना। उबालने को निथार लेना, उस जैसा हम खुशके को दम पे छोड़ देते हैं उसी तरह बना लेना। अब एक तरफ हम चाशनी बना लेंगे इसकी। देखिए मैं घी डाल ली, अब इसमें खोपरा और बादाम चिरंजी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो करने वाले कोई भी नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं ये खास से कर दूँ। प्लीज़ मेरे डिश पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे डिश कैसी लगी कमेंट में बताइए। इसको थोड़ी देर भून लेंगे, बादाम को थोड़ा कड़क होने देना। देखिए थोड़ा लाल हो गया, अब इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी डाल लेना, ज़्यादा नहीं डाल लेना। और इसमें शक्कर डाल रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर, पानी और थोड़ा डाल दे रहा हूँ, थोड़ा हो गया था। शक्कर घुलने तक पका लेना। देखिए इस तरह गाढ़ी चाशनी बना लेना, पतली नहीं बनाना, गाढ़ी बना लेना। और थोड़ी शक्कर है इसमें, इसको घुलने तक पका लेंगे इसी तरह। इसमें कलर डाल ले रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे इसको। अब शक्कर पूरी घुली, अब चावल को डाल लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक हाथ से करूँ ना, बहुत मुश्किल हो रही मेरे को। अब इसको अच्छे से मिक्स करके दम पे छोड़ेंगे। इसका पानी पूरा सूखने तक पका लेना। चले अब देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दम हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है मीठा चावल, यानी कि ज़र्दा। ये डिश कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।